शासन द्वारा जिला अस्पताल में भी डिजिटल एक्सरे मशीन लगाने की तैयारी की जा रही है। फिलहाल जिला अस्पताल में काफी पुरानी मशीन है, इस मशीन से जांच करने पर एक्सरे की रिपोर्ट साफ नजर नहीं आती है, जिससे मरीजों का उपचार प्रभावित होता है। वहीं फिल्म धोने व सूखने में काफी समय भी बर्बाद होता है, जिससे शासन लाखों की लागत से जिला अस्पताल में आधुनिक एक्सरे मशीन लगाएगा। जिला चिकित्सालय के लिए राज्य शासन को बहुत सारे उपकरणों की मांग की गई है, जो कि हमें 2 महीने पहले हमने ही भेज चुका है। उसमें एक मांग डिजिटल एक्सरे की भी थी, जिसमें कि फिक्सर डेवलपर की आवश्यकता नहीं रहती है और ये जल्दी से ही इसकी रिपोर्टिंग हो जाती है और ये जनता की सुविधा के लिए एक अच्छा उपकरण है और ये ऐसा आश्वस्त किया गया है कि निकट भविष्य में यहाँ पर आ जाएगी। डिजिटल एक्सरे मशीन लगाने के बाद लोगों को तत्काल फिल्म मिल जाएगी, जिसे देखकर डॉक्टर मरीजों का इलाज जल्द शुरू कर पाएंगे। जो है ये सामान्य मशीन है, एक्सरे मशीन 500 mm, 300 mm और पोर्टेबल एक्सरे मशीन है हमारे यहाँ, लेकिन इसमें जो फिल्म रहता है उसको फिर से डेवलपिंग करना पड़ता है, उसको एक सॉल्यूशन में डुबा के आधा घंटा करीबन रखना पड़ता है, उसके बाद ही उसमें फिल्म आप सूखने के बाद ही उसको अवलोकन किया जाता है। डिजिटल एक्सरे में एक तरफ एक्सरे हो रहा है और दूसरी तरफ अवलोकन कर सकते हैं, तत्काल इसमें रिपोर्ट आ जाती है। दूसरी ओर ग्रामीण क्षेत्रों से आए लोगों को अगले दिन रिपोर्ट लेने के लिए भटकना पड़ता था। इसी समस्या को दूर करने व बेहतर उपचार के लिए अस्पताल प्रबंधन ने शासन को डिजिटल एक्सरे मशीन के लिए प्रस्ताव भेजा है। बहरहाल देखना यह होगा कि शासन द्वारा डिजिटल एक्सरे मशीन जिला अस्पताल में कब तक लाया जाएगा, जिससे मरीजों को उपचार के दौरान बेहतर सुविधा मिल सके। कैमरा पर्सन पुष्प रंजन कश्यप के साथ मनोज पाल, सिटी न्यूज़ बिलासपुर।